पहले शुरुआत करें फिर ना एक ऐसे कोई फिक्स नहीं है मूड के ऊपर है जाओ जाओ पहले खाना खा लो वैसे हम दो घंटे ही लेंगे सेशन में ज्यादा नहीं दो सवा दो घंटे में हो जाते हैं हमारे क्योंकि ऑलरेडी पेपर अगर मैं पहली बार करा रहा था तो तब तो टाइम भी लेता बच्चों ने ऑलरेडी पेपर देख लिया कर चुके होते हैं तो इस समय मुझे थोड़ा सा हिंट्स ही देनी होती है अदरवाइज़ अगर मैं फ़्रेश 200 सवाल लगवाता है डेढ़ सौ तो मुझे बहुत समय लग जाता चले जी कंप्यूटर आने लग जाएगा इसमें एक दो दिन बाद जब नेक्स्ट पेपर होगा तो आने लग जाएगा कंप्यूटर आपका दस पेपर हो चुके हैं, न ग्यारहवीं पेपर में ऐड हो जाएगा वो अब इंग्लिश भी आ रही होगी कंप्यूटर ग्यारहवीं पेपर से स्टार्ट हो जाएगा कुछ स्टेप बाय स्टेप बांट रखे हम लोगों ने ना जैसे पहले दस में ना बच्चा थोड़ा घबराहट में ज़्यादा रहता है तो पहले दस को हम लोगों ने ज़्यादातर ट्राई किया है कुछ नया कॉम्बिनेशन और रिपीट उस कॉम्बिनेशन को फॉलो करने की कोशिश हुई है आप चाहे ये दस तक आपने सवाल दिए होंगे तो ज़्यादातर मतलब हर पेपर में नए जो मिलेंगे आपको जो बिल्कुल नए है कभी नहीं देखे होंगे आपको वो पाँच सवाल है चार से पांच वो कॉम्बिनेशन मेंटेन रखा है फिर रिपीट वाले रिपीट का मतलब एजेटेज नहीं है रिपीट का मतलब एजेटेज नहीं मतलब जैसे मोटर का है ए क्या हो गया तो मोटर पर आधारित ही दिया है लेकिन थोड़ा सा बस परिवर्तन किया और कुछ तो एजेटेज कॉपी कर दिया हमने पेपर में अभी नेक्स्ट वाले में दस पेपर में कंप्यूटर भी आएगा आपका 50 नंबर का तो वो भी अपना तैयार रहे कंप्यूटर का भी पढ़े आपको उस दिन भी कहा था कि प्रतिदिन पांच से सात एक सुबह पाँच से सात का टाइम डिसाइड करो और कंप्यूटर पढ़ना शुरू करो भाई जब तक शुरू नहीं करोगे पढ़ोगे नहीं तो तब तो तक बात तो कैसे बनेगी यार अच्छा एक चीज़ और जानकारी दे दूँ कि एक मैराथन सेशन है यू पी पी एल से पहले डी के मे भी शायद नौ आठ को ये ख़त्म हो जाएगी हमारी नौ या दस तारीख से तो उसमें भी मेरे बड़े बड़े दो सेशन हैं डी को टारगेट करते हुए लेकिन मज़ा आएगा हमें क्योंकि ये मदद करेगा यू पी के लिए तो मेरी जो क्लास होगी मेरी ऑफलाइन से ही होगी क्लास मेरे शायद एक बारह घंटे की एक छः घंटे की कुछ ऐसा ही है उड़ान सीरीज के नाम से रखा हमने इसे डी को टारगेट करते हुए तो इसमें भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी टी का जो टारगेट करेंगे उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और उन सवालों को हम ज़्यादा रखेंगे जो सवाल बच्चों ने अभी तक पेपर में कर लिए हैं उनको हम ज़्यादा बेटेस देंगे फिर चौदह या पंद्रह से आई थिंक पंद्रह तारीख से टी जी टू की एक मैराथन स्टार्ट करूँगा पेपर कभी हो लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार रहना चाहते हैं कि भाई कभी भी आ तैयार है इसलिए प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि फुल लेंथ के जो पेपर है उसको आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिलता रहे वो शायद सर अभी आपको समझा नहीं पाए ये नहीं है कि पेपर नहीं होगा कुछ ब्रेक है जैसे कि आज छठा मेरा पेपर है तो मैं कल भी क्लास लूँगा सातवा करवाऊँगा लेकिन कल आप लोगों का ऑफलाइन मतलब ये पेपर नहीं करवाएंगे ग्यारहवा एक दो दिन के बाद में फिर लगातार दो पेपर करवाएंगे ठीक है मतलब कंटिन्यूस आपको मेरे भी प्लान में कि सैटरडे और फ्राइडे फिर से लगातार दो पेपर मिल जाए ताकि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिले और ये बड़ा क्लियर है यार दोस्त कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप घूमने चले जाओ दोस्त अपने घर चले जाओ घर से पढ़ लेंगे देखो ये ये मानो कि सब लोग सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आया करते सब नहीं आते सिलेक्शन लेने के लिए ना कुछ मौज मस्ती के सबका अपना अपना उद्देश्य है कुछ मज़े करने के लिए आ गए कुछ का ये उद्देश्य होता है कि चलो बाहर चल रहे देहरादून में कोई अपना कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाए हाँ देखो रियली मैं बता रहा हूँ बेटा सब के अपने अपने उद्देश्य हैं कोई मौज मस्ती करने यार दोस्तों के कोई मौसम के प्रभावित हो आ गए भाई यार तो बहुत मज़ेदार मौसम है चलो अपना चल रहे तो सलेक्शन के लिए सारे नहीं आया करते और जो सिलेक्शन के लिए आता नहीं वो फिर सोचता भी नहीं उसे ना ये परवाह है कि क्लास है नहीं है नंबर आ रहे नहीं आ रहे सर क्या समझा रहे नहीं समझा रहे तो वो फुल टू इंजॉय ही कर रहे हैं जीवन को तो उन्हें मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रभाव भी पड़ता है नंबर ज़्यादा आए कम आए देखो जो सिलेक्शन के लिए आता है चिंतित भी वही रहता है यार दोस्त कि मेरे नंबर कम आए मेरे ग्रोथ नहीं हुई तो वही सवाल भी पूछेगा वही आकर बात भी करने की कोशिश करेगा कि सर ये प्रॉब्लम होगी अब देखो पेपर डिले है माना तो इसे निगेटिवली मत लो इसे बंद कर देना यार बड़ी शोर शराब आ रहा है उसे निगेटिवली मत लो उसे पॉजिटिवली लो कि भाई एक बार और पढ़ लेंगे ना रिवीजन एक बार और कर लेंगे क्या दिक्कत हो गया ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि अगर पेपर डिले तो चलो हम एक और कोई पेड कोर्स लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे यार ये अपने बस की बात है ही नहीं जिन बच्चों पर शुरुआत से लगभग एक क्लास देकर और पेपर वेपर करवा के मेहनत की है उसको बेकार थोड़ा ही करेंगे उनको एक बार और पढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन क्रिएट हो तो हर एक चीज़ में अगर समय मिलता है तो उसको पॉजिटिवली लेना है ना कि घबरा गए डर गए या अपना घर निकल लिए चलो जी वीकेंड है अपना घर चल रहे तो ये सही मेरे हिसाब से नहीं है चलो फिर आ जाओ सॉल्यूशन करें बच्चों चलिए जी आ। देखो भाई एस सी आर है यही है ना छठा पेपर एस सी आर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यही बनेगा बेटा एक सेमी कंडक्टर हम लोग कहते हैं और इसका काम एम्प्लीफिकेशन नहीं है ये वही है जिसका सिंबल नॉर्मली आप ये बनाया करते थे ये मिलेगा क्या ये मिलेगा नोड ये मिलेगा गेट ये एक ही तरफ काम करता है ये बाय डायरेक्शनल नहीं है यूनिडायरेक्शनल है करंट जो फ्लो करता है एनोड से कैथोड करता है और इलेक्ट्रॉन और दोनों के कारण करता है ये अगर विशेषता बनाते हैं तो विशेषता बनाते हैं इसके लिए ये वोल्टेज है बेटा ये करंट है विशेषता बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से तीन मोड होते हैं आ, अभी कई बार तो बताया तुम्हें ये जब भी आप एनोड से कैथोड एक पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो होता यह है कि इसमें ये कुछ लेयर बनती है ये पी होता है ये एन होता है ये पी है और एन है ये एनोड बनता है ये कैथोड बनता है और ये बनता है गेट तो जब ये जंक्शन बना J1, J2 और J3, तो J1 और J3 आउटर जंक्शन कहलाते हैं बेटा बाहरी जंक्शन और जो J2 है वो आंतरिक जंक्शन कहलाता है जब आप एनोड से कैथोड एक धनात्मक बैटरी जोड़ते हैं एनोड से कैथोड एक धनात्मक बैटरी जोड़ते हैं तो होता यह है कि नेगलेजल करंट फ्लो करता है जे टू के करॉस में जे टू रहता है रिवर्स बाइस यानी कि जो आउटर जंक्शन है जे वन एंड जे थ्री ये होता है फॉरवर्ड बाइज और बेटा जो जे टू होता है ये होता है रिवर्स बाइज तो उस दौरान में जे टू के क्रॉस में डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा बनती है इसी वजह से यहाँ जो करंट होता है ये फ्लो नहीं कर पाता हमेशा याद रखिएगा डिप्लीशन लेयर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाते हैं मेजोरिटी को रोकता है ये तो यहां पर ये कहलाता है ऑफ स्टेट है लेकिन इसको हमने कहा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ओके जी जिसमें हाई वोल्टेज है लेकिन करंट का वैल्यू बहुत कम है फिर हम गेट पर एक पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं है जी गेट पर जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स देते हैं तो J2 भी हमारा फॉरवर्ड बाइस्ट हो जाता है और ये ही चला जाता है बेटा कंडक्शन मोड में और यहाँ जाकर सारे के सारे हो गए फॉरवर्ड बाइस्ट देखो यहां पर ये बनता है लैचिंग करंट और ये बनता है होल्डिंग लैचिंग करंट का तात्पर्य होता है कि वो करंट जिस पर जाकर ये ऑन हो जाए और बेटा होल्डिंग का मतलब होता है जिस पर आकर ये ऑफ हो जाए ठीक है जी तो लैचिंग हमेशा ज्यादा होता है होल्डिंग हमेशा कम होता है ये हमारा रिवर्स मोड है है ये हमारा क्या हाँ सिलिकॉन कंट्रोल स्विच आपके नोट्स में बकायदा पढ़ा रखा है एस सी एस भी एस भी PUT भी पढ़ा रखा है जी भी पढ़ा रखा है सब तो ये ये ज्यादा होगा और होल्डिंग बेटा कम रहेगा देखो रिवर्स है हाँ डेढ़ से ढाई तक लिखा रखा कई हाँ डेढ़ से डेढ़ से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा डेढ़ से मैच करेगा दो से करेगा उसमें क्या हो गया जी तो ये होता है हमारा एस सी आर बेटा हमें ये मिलता है एक होता है बीजेटी ए बातें नहीं एक होता है बीजेटी और एक हम लोगों को मिलता है मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अपने अपने फायदे हैं <coughs> तो हम लोग दोनों के एडवांटेज को मिलाकर हम बनाते हैं एक नया डिवाइस जिसे कहते हैं आईजेबीटी। आईजेबीटी के टर्मिनल भी पूछे जाते हैं हमेशा याद रखना है आई की फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर नॉट ए थायरिस्टर दो ट्रांजिस्टर इसके तीन टर्मिनल होते हैं एमिटर कलेक्टर और बेस की जगह यहां आ जाता है गेट ये फुल फॉर्म ये जेई तक के एग्जाम ई तक के एग्जाम में पूछे जा चुके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे स्विचिंग डिवाइस के रूप में जाना गया है आईजे इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर देखो फिर ये एस पर आधारित ही बेटा सवाल दिया देखो सवाल ये है कि जब गेट करंट को हटा दिया जाता है तो एस के माध्यम से फॉरवर्ड करंट हम ये कहते हैं कि गेट का काम इसे ऑन करना है ऑफ करना नहीं है अगर आपने एक बार ऑन कर दिया तो गेट का कोई कंट्रोल इस पर नहीं होता आप गेट को हटा दीजिए कि अगर गेट को कंटिन्यूअस हम लगा कर रखते हैं तो कंटिन्यूअस लॉस होता है भाई ऑन कर दिया उसके बाद गेट बेकार है तो गेट को यदि आप हटा भी देंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऑफ हो जाएगा ये अपना कंटिन्यूस ऑन ही रहेगा तो करंट नहीं रुकता है करंट तो फ्लो होता ही रहता है ना करंट नहीं रुकने का मतलब है दोस्त बहना और करंट बहने का मतलब है यार ऑन स्टेट तो ये लगातार ऑन स्टेट में बना रहेगा चलो जी अब देखो यहां पर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एस का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन नहीं है देखो हमने अभी जिक्र किया था कि एस को इस्तेमाल किया जाता है ऑन ऑफ के लिए स्विच के रूप में डीसी स्विच के रूप में जान पहचान बनी है इसकी एम्प्लीफिकेशन में नहीं करते एम्प्लीफिकेशन में नॉर्मली होता है हमारा बीजेटी ऑपरेशनल फेट फेटमोसपिट इनको हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा एम्प्लीफिकेशन नहीं किया करता एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है एक लो मैग्नीट्यूड या मान वाले सिग्नल का मान को बढ़ाना ये एम्प्लीफिकेशन का मान होता है मतलब है तो ये नहीं था फिर ये कह रहा है कि आईसी को जब हम बनाते हैं तो हमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एक होती है स्मॉल स्केल एक होती है लार्ज स्केल एक होती है हमारी मीडियम स्केल एक होती है फिर लार्ज और एक होती है फिर हमारी वेरी लार्ज है ना वीएलएस वाली तो वी एल एस वाली में तो फिर हजार से भी ज्यादा है उसमें तो बहुत ज्यादा है तो यहां लेते हैं हम लोग कितने भाई एक से लेकर दस तक ट्रांजिस्टर की संख्या हम लोग यहां बनाते हैं मोर देन टेन टेन से हंड्रेड वो हम लोग मीडियम में लेकर जाते हैं फिर हम लोग लार्ज बनाते हैं तो लार्ज में हम लोग एक हजार तक ले लेते हैं और फिर हम लोग एक हजार से ज्यादा वो फिर वीएलएसआई लेते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो यहां क्या है एक से लेकर दस ट्रांजिस्टर लिख लो वी एल एस आई में एक हजार से ज्यादा नोट करो इसे वीएलएसआई में ये इंपॉर्टेंट है वीएलएसआई निम्नलिखित में से कौन स्त परिपथों पर एकीकृत परिपथों का लाभ नहीं है ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ओवर डिस्क्रीट सर्किट यह कह रहा है कि लाभ नहीं है आपको एक चीज बता दूं डिस्क्रीट जो सर्किट्स है एक तरह से जो डिजिटल सर्किट्स है डिस्क्रीट वन जीरो उसकी बात हो रही है यानी जो लगातार नहीं है एक हम लोग आईसी जो यूज किया करते हैं यह कह रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है आपको एक चीज बता दूं कि आप एक लिमिटेड या फिर एक पर्टिकुलर स्पेस में आप एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही आईसी को यूज कर सकते हैं अब इसमें यह कह रहा है कि सभी घटक एक ही चिप में होते हैं ऑल आर इन ए सिंगल चिप ये कह रहा है नहीं है हमें नहीं नॉट एन एडवांटेज इसका मतलब है हमें disadvantage वाले पॉइंट पर जानना है तो आप इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या समझते हैं आपने आईसीज देखी होगी सारे एक पेरे लगा के रखते हैं ना तो ये तो ठीक था जी चीपर सस्ता होता है इजी सर्विसिंग आप कई बार देखते भी होंगे चाहे आप अपने लैपटॉप को भी देखें अभी हरी सर ने एक दिन लैपटॉप खोला हुआ था एक वीडियो भी दिया था शॉर्ट्स भी दिया था तो आपने देखते होंगे कि पूरी आईसीज़ बनी हुई है तो उसमें किसी भी डिवाइस को देखना और उसको हटाकर लगाना वो बड़ा इजी है तो इजी सर्विसिंग ये ठीक था जी नो लिमिटेशंस ये स्टेटमेंट गलत है देखो अगर आईसी का मतलब है कुछ स्पेस को तो घेरेगा ना अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जितना हाथ है इसमें मुझे एक आईसी चिप डिजाइन करनी थी इंटीग्रेटेड सर्किट बनानी है तो मैं लिमिटेड डिवाइसेस या लिमिटेड स्विचिंग अरेंजमेंट को ही तो लगा सकता हूँ मैं इनफाइनाइट को नहीं कर सकता तो लिमिट होती है ये कह रहा है कि नो लिमिटेशन कैन बी यूज फॉर एनी सर्किट तो हर एक सर्किट के लिए एक लिमिट डिसाइड की गई है आईसी में तो ये हमारा एक तरह से ड्रॉबैक है और यही हम लोगों को पूछा था तो इसमें लिख लो कि आईसी का मतलब है लिमिट डिसाइड अकॉर्डिंग टू सर्किट यानी सर्किट के अकॉर्डिंग लिमिट डिसाइड की जाती है सर्किट के अनुसार डिवाइस की लिमिट को निर्धारित किया जाता है बेटा बताओ एक दिन में कम से कम सौ किताबें तो ऑर्डर होती होगी अब मुझे आपके नाम से कैसे पता कि सोनू यादव जी की किताब क्यों नहीं गई भाई है तो आंसर करते रहो देखो ये दिया गया है हम्म ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले है मैग्नेटिक सर्किट बना रखी है पूरा स्विचिंग अरेंजमेंट है सेंस करने के लिए तो वैसे भी देखो कितना भी जमाना तरक्की कर रहा है लेकिन आज की डेट में भी जो बहुत ही हाई प्रायरिटी जगह है वहाँ इलेक्ट्रो मेकेनिकल रिले ही इस्तेमाल की जा रही है अब बात करते हैं इलेक्ट्रो मैकेल रिले तो बेटा इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले हमारी दो प्रकार की होती है एक होती है इलेक्ट्रो मैगनेट अट्रैक्शन टाइप और एक होती है हमारी इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन टाइप ठीक है जी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्शन टाइप होती है इनके नाम लिख रहा हूं मैं एक होती है बैलेंस्ड बीम टाइप और एक होती है हमारी सोलेनॉइड एक होती है आर्मेचर, अट्रैक्टिव टाइप बेटा एक होती इंडक्शन टाइप इनके नाम है यार ये ना इंडक्शन टाइप एक होती है सेडेड पोल टाइप एक होती है पार्ट आवर टाइप एक होती है हमारी ड्रैग कप टाइप ड्रैग कप टाइप इनको याद रखिएगा ठीक है भाई अरे तुम तो अभी पढ़ोगे ना? निम्नलिखित में कौन सक्रिय सेंसर का उदाहरण नहीं है देखो आपको सेंसर बताता हूं कई जगह आप ट्रांसड्यूसर्स पढ़ते होंगे जनरली हमारा उद्देश्य है यहां ट्रांसड्यूसर का जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता हो कुछ ऐसे सेंसर और ट्रांसड्यूसर है ट्रांसड्यूसर का एक और अन्य नाम बेटा हम पिकअप कहते हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए किसी भी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है पीवी सेल है अरे धूप गिरती है पैनल पे बिजली बन जाती है कन्वर्जन कर दिया ना हीट को इलेक्ट्रिकल में थर्मोकपल है दो डिफरेंट मेटल को लीजिए जंक्शन के रूम में लगाइए बिजली बन जाती है डीसी बन जाती है पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस है बेरियम है ना रोचिले साल्ट ये बड़े फेमस मटेरियल है इन पर आप प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं तो बिजली बन जाती है कन्वर्जन हो गया ना देखो प्रेशर को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया टेम्परेचर को बदल दिया ये भी हीट को बदल दिया तो ये एक्टिव है डाया हमारा एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है जो कि वाइब्रेशन को नापने के लिए एक अच्छा माना जाता है तो ये हो गया जी ये हमारा है एक पैसिव डिवाइस एलवीडी पैसिव है मतलब पैसिव की अगर हम बात करें तो इनके अलावा मैक्सिमम आपको पैसिव मिलेंगे स्ट्रेन गेज भी आपका पैसिव है छोटू अबे बहुत जल्दी खाना खा लिया तुमने एक आधुनिक चर गति विद्युत ड्राइव सिस्टम में निम्नलिखित घटक होते हैं मॉडर्न वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है फॉलोइंग कंपोनेंट देखो पहली ये सुन लो मेरी बात इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब होता है मोटर के द्वारा किसी लोड को कंट्रोल्ड वे में चलाना अगर मैं इस पंखे से रेगुलेटर हटा लू ना तो मेरे लिए ड्राइव की कैटेगरी नहीं है अगर मैं रेगुलेटर लगाकर रखूंगा अच्छा सर हम लोग भी है तो नाचू क्या तुम्हारे लिए भाई बताओ डांस करूं बताओ मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हम लोग भी है तो डांस करो तुम्हारे लिए क्या ये काम बचा है अब मतलब मैंने पहले बोल रखा कि ये खुजली वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे यार मुझे ढंग के क्राउड चाहिए भाई ऐसे नहीं चाहिए मुझे जिसे पढ़ना होगा ढंग से पढ़ेगा ये खुजली फैजा लो क्लास में वो उसके छोटू बाबू या मोहन बाबू की क्लास में फैलाओ मेरी क्लास में नहीं चलता देख हाँ एक आधुनिक यानि कि हम बात कर रहे हैं अरे बहुत भाई मज़ा आ रहा पढ़ाने में नई नई चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अब इसमें बीच में जब ध्यान इधर जाता है अच्छा जी भाई ये भी है तो क्या डांस करूँ भाई अब भाई कौन सा मेरी घर वाली है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा है? अब नहीं जा रहा भाई पढ़ाने में ध्यान है तो उस तरफ भी ध्यान दूंगा ना अब इसलिए तो देखो कमेंट बंद करके जो वायरस प्रवृत्ति होती है वो निकल लेते हैं पतली गली से तो फिर जो एक बोलते हैं ना पढ़ने वाले लगनशील वो पढ़ते हैं फिर तो जो कबाड़ा है वो कम हो जाता है कंट्रोल यूनिट सेंसिंग और टॉर्क देखो भाई हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक ड्राइव जैसे ये पंखा हमने लगाया अगर हम लोग इस पर रेगुलेटर ना लगाए तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं है इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब है कि मोटर किसी लोड को ड्राइव करता हो और कंट्रोल्ड वे में ड्राइव करता हो अच्छा जी साथ ही इलेक्ट्रिक ड्राइव हम लोग आजकल जो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं हम ज्यादातर उन्हें भी कंसिडर कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हमें दे सकें देखो कंट्रोल यूनिट हमें लगानी पड़ेगी बिना कंट्रोल यूनिट के वो ड्राइव कहलाती नहीं है तो कंट्रोल यूनिट उसके बाद है सेंसिंग यूनिट सेंसिंग यूनिट का मतलब है कि जब भी आप हमने कहा कि लोड अगर बढ़ा तो उसके हिसाब से ही अपना मशीन को सब चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए या वर्तमान में एक ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है पी एल सी स्काड़ा जिसका हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं जी ऑटोमेशन आजकल आप देखते होंगे यार ये इतने बढ़िया सवाल है वर्तमान को जोड़ता है आप देखते होंगे आप यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे कि चिप्स बनाने की ऑटोमेटिक फैक्ट्री तो आप ये देखते होंगे कि डम्पर आया जी आलू अपना सीधे अपना उतारा अनलोडेड हो गया उसके बाद आदमी पूरी फैक्ट्री को चार चला रहे बस मशीन का प्रोग्राम है आलू पहले धुलेंगे इसके बाद जो खराब आलू है वो अपने आप बाहर या जो सड़े गले हैं उसके बाद तो प्रॉपर धुलाई होगी और रगड़ा लगेगा उन पर फिर प्रॉपर सेप में कटेंगे आप देखते होंगे जो चिप्स की थिकनेस है ऐसा नहीं होगा अगर आदमी काटता तो यार कैसे काट सकता था एक इतना मोटा एक पतला यही तो होता आप नोटिस करना प्रॉपर साइज होगा थिकनेस तो सबकी जो थिकनेस है वो सेम है उसके बाद में वो अपने आप से ट्रेवल्ड करेगा उसके बाद वो भट्टी में जाएगा अपने आप से वो फ्राई होगा उसके बाद में तेल अलग होगा इसके बाद में जो ज़्यादा जल जाएंगे वो अलग होंगे जो बढ़िया क्वालिटी के वो अलग उसके बाद वो पैकिंग में जाएगा अपना लिफाफे हैं एक क्वांटिटी अपना डल लिए पैक हो रहा और सीधे लोडिंग ये ऑटोमेशन ही तो है तो हर एक मशीन का हमें अपने अनुसार जरूरत के हिसाब से कंट्रोल यूनिट और सेंसिंग यूनिट जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन का पहली चीज होती है सेंसिंग करना और सेंस कहां से होता है ट्रांसड्यूसर के थ्रू होता है जिसे हम सेंसर के नाम से भी जानते हैं अब बात करते हैं टॉर्क सेंसर सेंस अगर मोटर कम है मोटर कम चलाना है तो एक डिमांड कम है ज्यादा लोड बढ़ा तो टॉर्क डिमांड ज्यादा है तो अगर हम टॉर्ग को वॉच नहीं करेंगे रेगुलर वॉच नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते तो इसलिए कहा गया है कि मॉडर्न वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए क्या चीज जरूरी है ये तीनों जरूरी है इन तीनों चीजों की हम लोगों को आवश्यकता होती है और मैं बार बार बोल रहा हूँ देखो मैं एक सेशन लूंगा भाई इसका भी इसका एक सेशन रखेंगे इसका और एक रखेंगे ये मतलब तीन चार घंटे के में पूरा पीएलसी का और इसका का एटलीस्ट फुल फॉर्म ही पूछ ली छोटू अरे कोई दिक्कत नहीं यार साढ़े आठ बजे छुट्टी कर देंगे मैं भी इस समय तक थक जाता हूँ लेकिन पढ़ लो चाहे सवाल कितने भी हो शोर शराब आने दो कोई दिक्कत नहीं इसमें डूब जाओ इलेक्ट्रिकल के समुद्र में ना तो कम से कम फुल फॉर्म फिर जैसे पीएलसी एक बहुत फेमस है हमारे इंडिया में भी एस एल सी फाइव हंड्रेड जिसमें सेवन रैक कटे होते हैं कितनी सप्लाई हम देते हैं डीसी से चलती है क्या छोटी छोटी चीजें अपना नोट कर लेंगे <laughs> ओहो ये नीले जी नीला बेस है गोलाकार ये दिखाया है, व्हाइट से बना है, आवश्यक साइन है तो और वैसे अर्थिंग को दर्शा रहा है ये तो ये क्या हो गया जी मैंडेटरी यानी आवश्यक आवश्यक साइन है हाँ जी देखो सिर पर चोट लगने के कारण मरने वाले के लिए सुनहरा समय कौन सा है रियली सॉरी फॉर दैट लेकिन क्या करें ये मतलब, था मतलब ऐसा है जी विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाई क्यों दो ये माना जाता है कि पहले तीस मिनट अगर कोई झेल जाए मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो थर्टी मिनट का क्राइटेरिया है मतलब उसे कोई झेल जाए तो ये कहा जाता है कि भाई नॉर्मली आसपास में एक फर्स्ट एड कुछ मिल जाता है तो थर्टी मिनट झेलना इंपॉर्टेंट है अगर कोई इसे झेल ले तो किताबों में लिखा गया है सब ना गोल्डन आवर फिर तो फिर तो, तो बच जाएगा ना फिर तो बच गया ना तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पहले कोई तीस मिनट निकाल ले तो मतलब ठीक है चांस है कुछ थोड़ा बहुत बचने का ठीक है जी तो फर्स्ट थर्टी मिनट इसके लिए क्रूसल माने जाते हैं इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अब वो सेंटेंस ने किताब में लिखा हुआ था इट इज अब वैसे तो सेंटेंस को गलत लिख दिया अब मरने वाले के लिए क्या अच्छा क्या सुनहरा क्या ये है ना क्या सुनहरा अब लेकिन वो सेंटेंस लिखा हुआ था तो चलो ठीक है नहीं नहीं ये रियली में, ये तुम्हें लग रहा होगा सर ने तो मेडिकल वाले सवाल ले लिए रियली में ये आईटीआई आई की किताब में जहां सुरक्षा वाला जो पूरा चैप्टर था ना ये है ये दिया है कि पीड़ित के किस अवस्था को कोमा अवस्था कहा जाता है पहला कह रहा है कि बेहोश है लेकिन कॉल का जवाब दे सकता है तो <laughs> फिर कह रहा है कि कॉन्शियस बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड होश में ब्रीथिंग बट कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल पूरी तरह टोटली सेंसलेस एंड डो नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स कॉमा का मतलब है जो बस लेटा है तो लेटा है ना कोई सेंस कर सकता और ना ही ये कुछ रेस्पोंड कर सकता तो ये रहता है हमारा जी डी खैर इनसे तो हम यही कहेंगे कि दुश्मनों को भी दूरी रखे यार इन सब चीजों से हाँ भाई स्निप इज इस यूज टू स्निप का प्रयोग किया जाता है फिर वही धातु की तो मोटी भी है तो धातु की पतली चादर को काटने के लिए गलत क्यों हुआ? देखो सॉलिड कोल्ड पंच हाँ तो मार के आप करिए क्या दिक्कत है नहीं नहीं वो काटने का अलग था वो देखो ना यारे स्निप तो यार कटिंग टूल्स में आता है यार सॉलिड कोल्ड पंच इज यूज टू सॉलिड कोल्ड पंच का उपयोग किया जाता है ये भाई लकड़ी में नहीं मेटल में छोटे छेद करने के लिए ठीक है जी छोटा छेद करने के लिए तो ये है स्मॉल होल इन द सीट मेटल आ, ये एस्टिमेटिंग में भी आता है तुम्हारे ना इनके इन्हें याद रखना ये ये अच्छा हाँ ये मेहना रख दो तुम्हारी की बढ़ाई कर दो हद कर रहे यार बाकी अपना दिमाग है तुम्हारा क्या समझते हो हाँ भाई ये क्या है इमरजेंसी लैम्प अच्छा फ्लड लाइट का बना सकते हो तुम तो ये 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 कुछ ऐसे अरे बनाते हैं ये बहुत ज़रूरी है ये भाई ऐसे ही होता ये फैला हुआ फ्लड लाइट के लिए स्पोर्ट एक जगह होता है ये ये ऐसे होते हैं स्पोर्ट में तो ये है हमारी इमरजेंसी लैम्प ये तो तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के मुझे भी याद हो गए फुल फॉर्म ऑफ ए डब्ल्यू जी अमेरिकन वायर गेट्स तो राम सागर है आ ही गए तुम चलो जी देखो यहां पर यह बताना है कि केमिकल हेजार्ड निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक खतरा है देखो नॉइज है कुछ केमिकल के मामला है केमिकल का मामला कहां है रेडियो एक्टिव रेडिएशन में तो ये हो गया जी रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया तो बीमारी है दोस्त अच्छा तो बैक्टीरियल बीमारी का नाम बताओ भुझे भुझे। <laughs> बैक्टीरिया अच्छा इन्फ्लुएंजा अच्छा टाइफाइड कौन से होती है टाइफाइड अभी सर्च कर जरा डॉक्टर पहले ही बोल देता बैक्टीरिया वाली चीजें मत खाना यानी कच्ची चीजें मत खाना नहीं तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी भूमिगत केबल में मेटालिक सेट किसके द्वारा बनाई जाती है किससे एनबोलियम या लेड से किस लिए नमी से सुरक्षा मिले ये राजेंद्र अंडरग्राउंड केबल ये तो अब तुमसे कोई नींद में ही पूछेगा तब भी तुम थर, थर 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 बोल दोगे है ना ये तो तब भी अच्छा जी देखो यार यारीनड केबल है भले ही तुम्हें थर्टी थ्री के भी नहीं दे रहा और इसीलिए जानबूझ के दिया भी है हम कुछ मॉडिफिकेशन करके वैसे लिखवा देना थर्टी थ्री ग्यारह केवी बेल्टेड फिर बाईस 33 अपना स्क्रीन लेकिन हम कुछ मॉडिफिकेशन करके हम अप टू सिक्सटी सिक्स कर लेते हैं अगर थर्टी थ्री नहीं है देन सिक्सटी सिक्स अब दो टाइप के पढ़ाई बने एक एस टाइप और एक एस एल टाइप याद रखिएगा उन्हें तो ये मार्क करना है बेटा सिक्स अच्छा मन नहीं लग रहा था घर हाँ भाई बहुत तेज लड़का नोडल विश्लेषण में यदि परिपथ में एन नोड हो तो नेटवर्क को हल करने के लिए कितने समीकरण लिखे जाएंगे एन माइनस वन और बेटा याद रखिएगा केवीएल अगर हम लिखते हैं बी माइनस एन प्लस वन ठीक है जी अब ये कहा गया है कि भाई पैसिव नेटवर्क क्या है एक दो तो सवाल थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी था वो भी बताएंगे आपको ए पैसिव नेटवर्क के जुआन विच कंटेन पैसिव का मतलब वो होता है बेटा जो सिर्फ ऊर्जा की खपत कर सकता है डिलीवर नहीं कर सकता आर एल सी ट्रांसफॉर्मर ये हमारे पैसिव है अब तुम्हें लग रहा होगा ट्रांसफॉर्मर भी ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा को एक तरह से पैदा नहीं कर रहा है ट्रांसफर जरूर कर सकता है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, सम सोर्स ऑफ ईएमएफ, नहीं EMF तो नहीं है फिर ये कह रहा है, ओनली टू, ना, फिर जरा ये देखो ये कह रहा है इसमें ई का कोई स्रोत नहीं, नहीं है ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक्टिव में आया करता है तो हमने कहा जी, पैसिव किसे कहेंगे जिसमें कोई भी ई एम स्रोत ना हो ये सारे एक्टिव एज तो सेमीकंडक्टर है शॉर्ट के डायोड तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर पे काम करें सोक ले तो इक्वेशन दी थी शॉर्ट के डायोड होती है गण डायोड नहीं शॉर्ट के डायोड तो होती है जो बहुत फास्ट होती है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है गण भी होती है चलते चलते अरे कहा बताओ बेस्ट ऑप्शन टिक करना होता है दो टिक करने का नहीं आता ना ए पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स ऑप्शन नहीं कह रहा है ओनली वेरिएबल रजिस्टेंट हमें जो डिफाइन करना ये कह रहा है कि इसमें ईएमएफ का कोई स्रोत नहीं होता तो एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है एनर्जी डिलीवर्ड और एबजॉर्व करने से तो बेस्ट ऑप्शन दोनों में कौन सा जाएगा डी जाएगा कि भाई EMF का कोई स्रोत नहीं है बाकी जो मर्जी <coughs> को इसमें कितने काम करे है भाई डायरेक्शनल जो दोनों तरफ को आर एल सी दोनों बाय डायरेक्शनल की कैटेगरी में आती है जैसे ये तुम्हारे ये सेमीकंडक्टर वाले तुम लिखते हो अब डायोड है एक ही तरफ को एनोड से कैथोड यूनिडायरेक्शनल में आ गए यही तो है अब बताता हूं मैं तुम्हें ये एससीआर लिखते थे यूनिडायरेक्शनल में डायक बायडायरेक्शनल में है प्रायक बाय डायरेक्शन में एसयूएस एक दिशा में काम करेगा जेटीओ एक दिशा में काम करेगा अब जेटीओ से नाम आया अब जेटीओ की फुल फॉर्म क्या सिखाई तुम्हें हाँ तो गेट पर पॉजिटिव पल्स देंगे ऑन हो जाएगा नेगेटिव देंगे तो ऑफ हो जाएगा इसके लिए हमें किसी भी सर्किट की जरूरत नहीं होती देखो इस तरह से अपना याद आती जाएंगे हाँ भाई छोटू इसमें दिया है कि एक सर्किट जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है और ना ही EMAF स्रोत है तो इसे क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा पैसिव जरा ये देखिए भाई कौन सा एक परिपथ में सक्रिय एक्टिव देखो आर एल सी है बेटा ये तो पैसिव है ना अब अब करंट सोर्स क्या है एक्टिव तो ये हो गया देखिए करंट सोर्स दो सो बीस से जुड़े ओम प्रतिरोध द्वारा डिसिपेट की गई पावर बतानी है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर दो सो बीस गुणा दो सौ बीस बटे कितनी आ रही है चौबीस सौ बीस बॉट तो ये मिल गया हमें ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेल कंटेनर होता है इलेक्ट्रोलाइट हाँ इलेक्ट्रोलाइट से याद आया छोटू ये बता निखिल आयरन बैटरी पढ़ाई थी इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था अब फिर वही तुम इसके दुश्मन हो गया क्या? क्या था दोबारा बता अच्छा बैटरी में एनोड को धनात्मक कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं धनात्मक ओ अनोड बोलते हैं ओके चल तो एक बात बता लेड एसिड बैटरी तो पढ़ी ही होगी तुमने पढ़ी है पक्का वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होती होगी रिवाइज भी तो करवाना है नाम के थोड़े डेढ़ सौ सवाल लगवाने हैं वाट आवर एफिशिएंसी पिछहत्तर अस्सी बहुत है अपना और क्या बिल्कुल सौ रखोगे एमपियर आवर ज्यादा होती है 85 90 हां भाई फुल्ली चार्ज बैटरी 1250 1280 स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से नापते हैं हाइग्रोमेट बोल देना उससे ह्यूमिडिटी नापते हैं ये लड़का ये बताएगा जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है तो रंग लिखा रखा है नालायक और निगेटिव वाला ग्रे, ग्रे स्लेटी और डिस्चार्ज में दोनों सफेद पड़ा रखी यार दिल तोड़ पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड के बिना काम चलेगा क्या इंपॉर्टेंट क्या है निगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव से एक ज्यादा रखनी है पॉजिटिव प्लेट पर लैड पर ऑक्साइड पीबी ओ टू निगेटिव पर पीबी ये सारी चीज तुम्हें तो रटवा रखी यार वायर चलो जी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आई टू बस इसमें और क्या दे रखा है है भाई चलो ठीक है जी वोल्टेज भी ए अपना मेथड सिखाया था तुम्हें हमने वी ए बराबर में ए था हमने कहा देखो जी पेन चला के सब हल करेंगे आईटी वाले बच्चों के लिए तो मतलब भूल जाओगे इससे कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल देगा छोटे छोटे न्यूमेरिकल और आपको सौ प्रतिशत एक्यूरेट आंसर करने हैं तो हमने कहा देखो जी तीन छ और तीन क्या मिल जाएगा छे हो होगा तीन से काटेंगे तो दो, दो। फिर छह से काटेंगे तो एक तीन हो गए जी और फिर तीन से काटेंगे तो तो नीचे आएगा पांच ये सात बता रहा छोटो <laughs> फिर तीन से छह को काटते दो यहाँ जाएगा बीस कितना चार आई टू का जो मान है वी ये तो सभी सेम लेते हो यार सेकेंडरी में तो सेम लेते हो तुम्हारे कोई एक से लगा है मतलब है नहीं।, तो नहीं भाई मैं याद याद सवाल आए तो फिर विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कहलाता है क्या है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट में से एक है दोस्त अब एमीटर है एमीटर सदैव सीरीज में लगाया जाएगा इंटरनल रजिस्टेंस न्यूनतम वोल्टमीटर पैरेलल। पैरल अच्छा डिडेक्ट कर रहा है ना नापने के लिए कर दिया सॉरी सॉरी गैलवनोमीटर भाई गलती होगी हम अपनी गलती मानते हैं इसीलिए हम तुम्हें तो चार बिंदु नहीं सिखाते हैं। अच्छा ये बताओ डीसी में जब हम डीसी में सेंस करने की बात करते हैं या डीसी ब्रिज में तो किस प्रकार का गैलवाना लेते हैं डी अर्जुनवल गेलवाना मीटर यही तो लिया करते हैं जब हम मेजर डी लिखा रखा यार ऐसे ही तो है जैसे पीएमएमसी बैलिस्टिक गैलोनीमीटर को अमाउंट ऑफ चार्ज का पता करने के लिए या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमने इस्तेमाल किया था मैग्नेटिज्म में और एसी ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है वाइब्रेशन गैलोनीमीटर वाइब्रेशन गैलोनीटर को एक और नाम दिया डूडल है ना एक ही है वाइब्रेशन गैलोमोमीटर ड्यूडल एक फ्लक्स मीटर भी होता है तो ये सब गैलोनोमीटर के अलग अलग टाइप है भाई लिख लो डीसी ब्रिज में ये इस्तेमाल होता है डीसी ब्रिज में ये इस्तेमाल होता है एक होता है बैलिस्टिक गैलवेनोमीटर ये होता है बैलिस्टिक गैलोवनोमीटर का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखो इस शब्द का मतलब समझेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे कहा जाता है आवेश यानी कि चार्ज का पता लगाने के लिए बी एच कार खींचते हैं इसकी मदद मतलब से बकायदा लिखाते हैं अब एसी ब्रिज में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर वाइब्रेशन गेलवेनोमीटर यूज किया जाता है ठीक है लिख लिए इसी को गूगल से हो जाते हैं डूडल निम्नलिखित में कौन है कृत्रिम चुंबक नहीं है कृत्रिम चुंबक यानी जो नेचुरल है और नेचुरल क्या है दोस्त लोड स्टो ठीक है देखो इसमें ये इसलिए लिया है कि इसमें ये याद रखिएगा नहीं कलर भी लेकिन अलग अलग जगह देखो जैसे बार मैग्नेट में ये जरूर पूछता है बार मैग्नेट और यू सेप्न मैग्नेट ये लगभग एक ही है देखो रेड मतलब नॉन हॉर्स मैग्नेट सिर्फ क्या है ग्रे टाइप और रेड टाइप इसमें दोनों जो पोल है ना ये ये सेम है इनका कोई अलग अलग कलर नहीं है तो पेपर के लिए जरूरी ये है बार मैग्नेट करंट फ्लो इन लिक्विड ड्यू टू डेफिनेटली आय तो पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छा जी और अगर हम कंडक्टर में बात करें तो मेटल में इलेक्ट्रॉन के कारण बताइए भाई बच्चों ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट ग्राउंडिंग प्रतिरोध को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि भाई ग्राउंडिंग प्रतिरोध हम यही तो चाहते हैं कि जितना कम से कम हो उतना बढ़िया है तो हम कहते हैं बी देखो क्या कह रहा है कि अधिक होना चाहिए ना ऑलवेज जीरो तो देखो आइडल तो है प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं तो ये क्या हो गया देखो ए दोस्त कब पहुंचे और कब आया साकिब तो आजकल दिखवी नाराज स्ट्रिप अर्थिंग इज यूज देखो जनरेटिंग स्टेशन प्लेट बढ़िया है सैंडी एरिया में रोड बढ़िया है।, है जी बड़ी बड़ी भवन के लिए प्लेट को प्रीफर किया जाता है जो चट्टानी क्षेत्र है उसमें बहुत गहराई तक रोड नहीं जा सकते ना गड्ढे खोदते हैं तो हम प्रीफर करते हैं दोस्त स्ट्रिप अर्थिंग ठीक है ओके अब ये जयप्रकाश बता तुम्हारे हिसाब से क्या लगाऊं अरे यार मतलब जनरेटिंग स्टेशन क्या लिखा रखा प्लेट लिखा रखा पर इंपॉर्टेंट लिखा रखे यार छोटो ऐसी बात ना करें सवाल तो हम प्रकाश से पूछने वाले हैं यार बेटा ऐसे बंद कर देना जरा अब हमें बड़ा सही लग रहा है क्योंकि हमने पेन किलर ले ली तो अब हमें बिल्कुल फिट लग रहे हैं और अब हमें एक रात के लिए लानी पड़ेगी दवाई नहीं तो आजकल कई बार नींद नहीं आती है अरे नहीं मुझे दर्द हो रहा ना कंधे में तो इस अरे आराम से नहीं हो रहा ना डॉक्टर पे हम दिखाए लेकिन डॉक्टर हमें समझ में नहीं आ, आप क्या क्या बता रहा था अरे कुछ ना होता जब तक लिखा तक तक हुआ खाना चाहिए ठीक है काम ना चले तो खाना चाहिए अरे हमने ना ना रेस्ट की वजह से नहीं हो रहा ये थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ जाता ना बॉडी में कभी कभी उसकी वजह से पेन वेन होता है ये हाँ जी हम जयप्रकाश से बड़ा खास सवाल पूछ रहे थे ये बताइए जो स्ट्रीप अर्थिंग है इसमें साइज बता दो तो। तो, कॉपर की बता दे तो, 25 और जीआई के लिए ट्वेंटी फाइव इंटू फोर तो, तो एग्जैक्ट बताए इसने तालियां बजाओ इसके लिए ताना? बिल्कुल बढ़िया हाँ याद है उसे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं यार ये रोड वाला सिस्टम बना रखा और वो प्लेट वाला ये करते हो तुमने स्ट्रिप जो फैलाते हो सब स्टेशन में भी करते हैं हम लोग अच्छा फिर ये ये अरविंद बताएगा ये भी बहुत आया क्लास में कितनी गहराई पे रखते हो ओहो दस प्लेट अरे <laughs> मतलब चट्टानी चट्टान खोद रही पांच फिट अरे नालायक जब पांच खोद लोगे तो पांच और खोद लो मीटर में तुम ए बाबा तीन मीटर अबे डेढ़ फिट लिखा रखा है फिट में लिखाया था ये स्टीपर थिंग समझ में नहीं आता है। याद रखने की चाहिए समझने की थी। तांबे की प्लेट के लिए ये बहुत फेवरेट सवाल है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कुछ में दिया है। तो सिक्सटी सिक्सटी और थ्री एम एम ये ये थ्री सेंटीमीटर है गलत है कई बार ये तीन के थ्री पॉइंट वन लिख रहा है थ्री पॉइंट वन एट लिख देता है और जीआई का होता तो छ लिखता लार्ज पावर स्टेशन ये तो ये भी तुम्हें लिखा रखे अर्थिंग में किसका क्या है तो पॉइंट फाइव लार्ज पावर स्टेशन ये मानोगे हम लोग बहुत ही बेकार अगर बात करते हैं जैसे कहीं पहाड़ी एरिया में जहां पर या फिर रेगिस्तान में जहां मॉस्चर कहीं है ही नहीं वहां जाकर बात करो हम झेल सकते हैं मैक्सिम आठ तक मतलब प्रैक्टिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं पहाड़ी वाड़ी एरिया में या जहाँ रेगिस्तान है ना वहाँ हम लोग चला लेते हैं आठ तक हाँ भाई ये भी बताओ जरा ए, ये ये पहली बात है सैडल की बात नहीं कर रहा कभी तुम सैडल देखो सिक्सटी है हाँ ये नालाई को देख तो लो क्या कह रहा है ये बकायदा तो तुम्हें बैटन वायरिंग वगैरह में सब लिखा रखा यार पैटर्न वायरिंग में लकड़ी के प्लग के बीच का अंतराल सेंटीमीटर में किससे अधिक नहीं होना चाहिए और यह था सेवेंटी फाइव ये तो जो दो सैडल लगाते हो ना तुम वो सिक्सटी तो मैक्सिमम वहां था और बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी जो करो चलो बोलो टाइम कांस्टेंट ये होता आरसी यूनिट किसमें लिखते हो रहे सेकंड में आरएल के लिए एल भाई चलो अब इनके आंसर करते रहो फटाफट चलो बड़ा कर देते ना इसको अरे ये दो सौ दे रखा है ए से डी ये बारह है ए बी भी है क्या कहीं हाँ ये कितना है पांच सौ और ये पूछ रहा है तो 12 गुणा दो बटे 500 अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन बराबर तो ये हो गया जी 600 अबे ये भी किसी का गलत था तुम में से पक्का उसने पेपर नहीं दिया वो भी कह रहा है। ना <laughs> <laughs> ए भाई कोल्ड कैथोड लैम्प ये तुम्हें कल नौ साढ़े नौ बजे क्लास दूंगा मैं ऑनलाइन में तो इसमें सारे लैम्प नहीं मर जाएंगे हमारे तो ये होता है नियोन लैम्प ठीक है जी कोल्ड कैथोड लैम्प की कैटेगरी में आता है नियोन लैम्प एडवर्टाइजमेंट में बहुत फेमस है ये वोल्टेज तो तो कम होती है शुरुआत में ज्यादा उसके बाद नॉर्मल है फे. किसमें होती है किसमें हाँ हाँ तो वैसे फेमस ही एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा हुआ है गाड़ियों में बहुत जैसे हमें कुछ नाम बनाना है ना शुरू में शुरू में तार जोड़ दो फिर लास्ट में तो पूरा ब्राइट करता है वैसे नाम ना महंगा बहुत है देख लो भाई फिल्म इसकी इसलिए कोल्ड कहते हो ना जब इसमें टेम्परेचर जो राइज है ना वो बहुत ज्यादा नहीं करता हाँ तो शुरुआत में वोल्टेज बहुत हाई होती है अरे वोल्टेज हाई है करंट कम है दोस्त इसमें टेम्परेचर बहुत राइज ही नहीं करता इसलिए तो कोल्ड कैथोड है अब नॉर्मल जो मरकरी और सोडियम वेपर है इनमें तुम्हारी बकायदा लिमिट सेट है परसेंटेज ऑफ द इनपुट एनर्जी रेडिएटेड बाय फिलामेंट लैंप फिलामेंट लैंप द्वारा निवेश ऊर्जा का कितना होता है? फिलामेंट किसका बनाएंगे जी टंगस्टन का फेमस हुआ है काफी और जिसमें हम लोग आर्गन नाइट्रोजन अपना भर के रखते हैं रोकने के लिए वाष्पिकरण को तो कितना है जी टेन टू फिफ्टीन लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है सस्ता जरूर है एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है अरे वाह ये देखो इलेक्ट्रिक आर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू अच्छा जब आपने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात ही कर ली तो ये बताना दोस्त इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जब नॉर्मली एसी की बात करते हैं कितने वोल्टेज की जरूरत होती है ओ वाह फिर डीसी में डीसी में होती है पचास से साठ सत्तर तो 100 एक सौ दस तक एसी में होती है डिफरेंशियल जनरेटर पचपन सो देखो इसमें बहुत अच्छी चीज है जो जो इलेक्ट्रोड होती है ना उसे हम लोग किससे जोड़ते हैं दोस्त नेगेटिव से ताकि वो कम बर्न करे जो खपत है उसकी समाप्ति वो कम हो क्या वो कर रहा है पूछ ले जाके बात कर रहा बाहर में बेचारा उससे पूछ लो भाई कौन सी वेल्डिंग कर रहा हाँ भाई फॉर आर्क वेल्डिंग करंट इज यूजली कितना जी नहीं सो में तो ये भी है जब ये नॉर्मल लिख रहा है ना आर्क वेल्डिंग में तो हमेशा हाई को प्रीफर करिएगा इसका मतलब वो एसी वाले की ज्यादातर चर्चा कर रहा है पचास साठ सत्तर तो डीसी के लिए होता है यूज किया करते हो, तो 100 के आसपास से। रेजिस्टेंस प्लस देखो न, देखो ना, आर्क वेल्डिंग में बहु, बहुत कम, में में। काम हो जाता है और प्लास्टिक वेल्डिंग इसलिए इसका नाम रखा गया है कि इसमें क्योंकि हम लोग उसे प्लास्टिक स्टेट तक गर्म कर रहे हैं उसके बाद में उसे कहीं जगह जगह पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कह रहे हैं हम लोग इसमें हमें किसी तरह को प्रेशर की जरूरत नहीं है अब ये बताइए कि लिस्ट डायामीटर क्या है डायमीटर जो होता है ना स्टैंडर्ड वायर गेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जितना स्टैंडर्ड वायर गेज होगा ना उतना ही वो पतला है ना तो फोर्टीन का कम होगा बताना भाई बच्चों जरा निम्नलिखित में से कि सिंगल फेज मोटर की दक्षता न्यूनतम है क्या था अरे सैडेड भाई तो बढ़िया सवाल आ गया ना सैडेड पोल मोटर क्या ये भाई सेल्फ स्टार्ट है क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं ना सब बोल सेल्फ स्टार्ट है टॉर्क भले ही बहुत आ, कम है से की तरफ घूमेगा ये, ये सब लिखा रखे रिले वगैरह में हम इस्तेमाल तो करते हैं सेल्फ स्टार्ट तो है लेकिन ये कम गति पे नहीं चलता सिंक्रोनस गति पे चलता है पावर फैक्टर कम है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का ना लेकिन स्पीड बढ़िया अच्छी है तो हम लोगों ने लिखा भी है टाइमर्स के लिए इलेक्ट्रिक क्लॉक के लिए सिग्नलिंग डिवाइस के लिए बढ़िया इसी का एक भाई भी है देख हाथ में मेरे भले ही दर्द है लेकिन तेरी कुटाई ऐसी करूंगा ना याद रखेगा समझ नहीं आता यार तुम पहली बात तो तुम तीनों एक साथ बैठते हो नहीं नहीं आज ये आलम तुम नहीं हो <laughs> आज ये सही पता बच्चों के साथ ये सही पता ऐसे ही तुम लोगों को भी अलग बैठना चाहिए तुम एक दूसरे खुद दुश्मन हो तुम्हें पता ही नहीं ये बात अरे अबे छोटो तुझे उठना है बीच में से आ जाओ आ जाओ इसके इधर आ जाओ मेरे सर पे बिठा दे देखो अगर नहीं पढ़ोगे अगर नंबर एवरेज अब नेक्स्ट वाले पेपर में कम आएगा तो सीधे ट्रांसफर वहाँ होगा वो जो कुर्सी बनवाई बाहर लकड़ी वाले ना वो बेंच जो बनवाए ना सीधे ट्रांसफर वहाँ करूँगा जिस भी बैच का नंबर कम आएगा जिस वीक में वो उधर बैठ के तो वैसे तो कोई पार्सलिटी करनी नहीं तो भाई ओपन पेपर और 12 घंटे उन्हीं में बैठाऊंगा मतलब ये मंजूर है लेकिन नंबर नहीं लाने सर कोई दिक्कत नहीं बढ़िया एक स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग कुंडली होनी चाहिए है जी तो हम बार बार बेटा पढ़ते हैं कि रनिंग कुंडली में लो रजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस रनिंग मतलब जो कंटिन्यूअस है स्टार्टिंग में हाई रजिस्टेंस लो इंडक्ट वो इंडक्टेंस तो ये हो गया जी हमारा लो रेजिस्टेंस और हाई है ये भी बहुत पूछता है चले नेक्स्ट हमारा मिचुअल इंडक्टेंस व्हेन कपलिंग के बराबर ये एल वन और एल टू दिया है तो एम बराबर में याद है के अंडर रूट एल वन और एल टू के का मान है जीरो पॉइंट सिक्स और नाइन गुणा माइक्रो में दे देते ना आंसर जीरो पॉइंट सिक्स गुणा तीन गुणा दो कितना आ रहा है थ्री पॉइंट सिक्स यही तो है भाई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी इनमें चलो भाई बच्चों ये बताओ चार्जिंग के दौरान देखो हर एक चीज हमने पढ़ा रखी है चार्जिंग के दौरान निम्नलिखित संकेत बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर संकेत देता है कलर ऑफ इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव का ब्राउन नेगेटिव का स्लेट हो जाता है गैस निकलती है भाई अच्छा वो वेंट प्लग लगा के रखते हो तो तुम ऊपर ना और स्पेसिफिक ग्रेविटी वन पॉइंट टू एट ठीक है जी ये अगर आप किलोग्राम में मेंशन कर रहे हो तब है और अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में करें तो 1280 है तो ये सभी होता है भाई डी निम्नलिखित में से कौन सा घटक ट्रांसफॉर्मर से संबंधित नहीं देखो ब्रीथर है ना जिसे सांस ले रहा है फ्रेश एयर जिसमें सिलिका जेल रखी है कंजर्वेटर ऊपर ऑयल का एक्सपेंशन सस्पेंशन जहां हो रहा है जिनपे ऊपर तार बंधे हुए हैं जी तो ये नहीं है यार खाना खाने गया था क्या दोस्त खाना खाने गया था अच्छा नहीं नहीं हम कुछ दिन की बात है हम इसे बाकायदा प्रॉपर ऊपर वाटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा बजट सही हो जाए हमारा कर देंगे हम इसे भी मतलब एक साथ नहीं कर सकते धीरे धीरे कर लेंगे पानी का ये पानी का ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा ना इसके लिए कह रहे टैप रिकॉर्डर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर पसंद की जाती है क्यों नॉइजलेस ऑपरेशन इसमें जो रोटर बनाते हो अंदर वाला तो हमारा नॉन मैग्नेट थोड़ा सा मे, हम मैकेनिकल स्ट्रोंग चाहते हैं और बाहर की लेर बाहर के लिए एल्यूमिनियम बता रहा बताओ हमें मैग्नेट मटेरियल की बनानी है जिसकी लूप बड़ी बने कोबाल्ट कोबाल्ट हाइसिसम कोबाल इन्हें लगाएंगे हम चलिए जी जो ऑयल है देखो हमें फिर वही बेस्ट वन लगाना होता है द ऑयल यूज इन ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी फ्री फ्रॉम वैसे तो मॉइस्चर से वैसे तो हम सलजिश फ्री भी जाते हैं लेकिन वही है कि हमें बेस्ट लगाना है तो हम लोगों ने कहा जी मॉइस्चर से गैस तो तब ना जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वो हाइड्रोजन में डिकम्पोज होता है तो सेवेंटी परसेंट तो हमारी हाइड्रोजन ही होती है और वहीं से तो फिर वो रिले काम करती है, है जी? देखो ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ इन जब ए भाई ब्रीथ इन मतलब ए बढ़ेगा तो छोड़ेगा ब्रीथ आउट होता है घटेगा अरे चैन की सांस लेने दे लोड कम करना है घटाना है तो लोड इज डिक्रीज्ड ब्रीथ इन का मतलब है अरे तो क्या हुआ तुम्हारे पेपर होंगे फिर दूसरे तैयार हो जाएंगे आ, कोई दिक्कत नहीं तुम पहले नौकरी वोकरी ले लो फिर उसके बाद करेंगे पार्टी ठीक है नहीं कहीं बढ़िया लोकेशन सेलेक्ट करो हमारा पासपोर्ट तो है नहीं तो इंडिया में ही कहीं पार्टी करेंगे बेटा गोवा तो मैं वैसे भी ना जाऊं और तुम लोग मुझे दिख जाओ ठीक है तो अपने बच्चों के हरकतों से वाकिफ हूं बाकी जगह नहीं शेयर करेंगे अबे गुरु जी आज वहां घूम रहे थे आ? चाहे मैं किसी से अपनी क्लास की बात कर रहा हूं लेकिन तुम वो बाकी को शेयर ना करो हमारी मैडम को शेयर करोगे तुम अच्छे खासे जो घर को चलते हुए को तुम तोड़ने की कोशिश करोगे ट्रांसफॉर्मर तो लोड इज डिक्रीज लेकिन मैं बता दूं पांच या छह जनवरी को हम जाएंगे आठ दस दिन के लिए छुट्टी पे नहीं हम मतलब मैं और वो ठीक है तुम अपना देख लो टैपिंग इन ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज देखो जब हम टैपिंग की बात करेंगे तो टैपिंग हम लो वोल्टेज साइड पर क्या अचीव करेंगे अगर भाई हाई वोल्टेज साइड ही तो है तो इस पर आप टैप करके तभी तो कुछ प्राप्त कर सकते हो तो टैपिंग हमेशा जो प्रीफर की जाएगी या जो करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड ए भाई हाई पर करके लो प्राप्त हो जाती है ना इसमें हम पूरे कॉन्फिडेंट है उस दिन वो तो बाय चांस की बातें हो गया तो गलत ऑलवेज हाई पे ही करेंगे तब जाकर हम लोग को लो वोल्टेज रिसीव हो पाती है ये हाई तो है दोस्त पूरी यहां से ऑटो यहां, तो का उदाहरण समझ लो ऊपर टैपिंग भी करते हैं देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें ना ना यहाँ तो गलत है ये ये हमें 200 सौ प्रतिशत कॉन्फिडेंट है इसमें देखो एक चीज और है जब हम वेरिय बनाते हैं ना ये लो वोल्टेज नालायक प्राप्त होती है ये इनपुट है और यहां से आउटपुट भी बनाते हैं हम लोग ना और यहाँ पर हम ब्रश भी लगाते हैं ये बाहर रहता है पूरा और ये बाहर ना तुम्हें अगर मैं बताऊं तो एक सर्कुलर शेप है और ये जो ब्रश दिखता है ना तुम्हें वो पहिए के रूप में दिखता है तो जैसे जैसे इसमें मूवमेंट करोगे इसे मैनुअली हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसे मूव करेंगे मैनुअली वैसे वैसे ये आउटपुट वोल्टेज चेंज करके दे सकता है तो ये हमारा होता है हाई वोल्टेज साइड पर चेक कर ले चाहे अभी <laughs> वाट इज द सिम्बल इंडिकेट अब तो ये तो रट लिए होंगे तुमने अच्छा एग्जॉस्ट फैन का बताना ये वाला है ना अरे ये पंखा लगे हुए नहीं क्या इधर देखो यही देख लो छोटे छोटे लग रहे हैं यार अच्छा ये सेलिंग फैन वाला फिर ऐसे ही करते पंखड़े लगा देते हैं तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट फैन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट वही फॉलो करते जो सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कौन सा एक्सप्रेशन सही है वे स्क्वायर अपॉन आर देखो ये बाकी सब गलत है अर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ किसके एनर्जी किसमें है ये अर्घ और वन वन जूल इज इक्वल टू चलो शक्ति के लिए बोलना है ना याद रखना अर्ग पर सेकंड होता है अबे जल्दी उतारो नहीं तो मैं और लिखने लगूंगा फिर बोर्ड पे द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर एज तेल के संकुचन और विस्तार को ग्रहण करने के लिए देखो डी भाई प्रिवेंट द मॉइस्चर ये थोड़ा ही है ऊपर नहीं लगा के रखते टैंक ये लगा हुआ कंजरवेटर टैंक और देखो नीले नीले ये जो ये है ना ये है सिली का अब यहां गौरव कहाँ है छोटो आता है आइटम एक ओ तेरा शेयर कर रहा होगा फिर तो <laughs> चलो बेटा बोलो जरा ऐसे यदि एक 500 हंड्रेड केवीए टू हंड्रेड ट्रांसफार्मर को 50 हर्ज पर संचालित किया जाता है तो इसकी केवीए रेटिंग यार बाबू केवी रेटिंग डिसाइड किससे होती है वी और आई से इंडियम किसके है अबे आवृत्ति के भाई नहीं होती क्या आवृत्ति कितनी हो गई अरे भाई 200 से 50 यानी 1 बाई फोर तो रेटिंग कितनी करोगे कितनी आ जाएगी 125 नहीं कर सकते कर दोगे हैं। अरे देखो पांच सौ केवियो ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्ट एम्पियर होता है ये होता है वोल्टेज से और भैया करंट से इसका मतलब किससे आता है इंड्यूस्ड ई से ये समानुपाती होता है के है भाई तो जो किसके समानुपाती आवृत्ति के अगर आवृत्ति 200 है तो सौ है अगर दो सौ से कितना घटाया तुमने पचास, पचास मतलब डिवाइड बाई फोर तो केवीए को कितना करोगे डिवाइड बाई फोर कितना आ गया वन फाइव देखो भाई बच्चों सवाल देखना क्या है कि एक टू केवी ट्रांसफॉर्मर में दो सौ वॉट का लोहो हानि है और ढाई सौ वॉट का फुल लोड कॉपर हानि है ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता होगी जब कुल हानि देखो यार कुल हानि की जब बात करें भाई बच्चों हमें ये पता है पी आई प्लस पी सी लेकिन अधिकतम दक्षता के लिए दोनों के दोनों आयरन और कॉपर होते हैं बराबर तो अब ये देखो जी आयरन क्या डबल कर लिया करो तो जी 400 सो बॉट ये राज्य हमारा उत्तर कॉपर का डबल मत कर देना रहो यार तो कॉपर का करेगा तो आयरन तो कांस्टेंट है ना कैसे बनाएगा कॉपर के बराबर कॉपर ही तो वेरिएबल है कॉपर को ही तो किसके बराबर बनाया जा सकता आयरन के बराबर तो दो सौ गुणा दो किसने गलत किया था भाई ये तूने तो गलत कर दिया ओ भाई ये अटेम्प्ट नहीं करा अरे यार इतने भी बेचते ना करो यार अति ना करो यार ये तो मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा था ना मशीन तब भी बताया था मैंने डेढ़ सौ लेके बताया था और डेढ़ सौ का जस्ट डबल तीन सौ देखा ठंड जा रहा है उसे ठंड जरूर मान रहा बढ़िया पेपर ठंड के बाद ही हो मूविंग स्टडी करने के लिए सर्दियों को बेस्ट माना जाता है और नींद के लिए भी बेस्ट है गर्मी को उतना तो बेस्ट नहीं माना जाता स्टडी करने के लिए ना डायनोमीटर वाटमीटर में गतिमान कुंडली जुड़ी होती है अक्रॉस द सप्लाई देखो जी बेटा हमें यह पता है कि ये होती है करंट कॉयल और ये जुड़ी होती है पोटेंशियल कॉयल किसके में लोड के अक्रॉस में और यही तो बनाते थे ये होती है फिक्स्ड फिक्स्ड बनती है मोटे तार के कम टर्न से कम रजिस्टेंस ये बनती है जो मूविंग है पतले तार के ज्यादा टर्न से इसका रजिस्टेंस ज्यादा होता है है ना तो क्या जोड़ते हैं सप्लाई एनर्जी मीटर में यदि हम सिर्फ पोटेंशियल कोयल पर सप्लाई दे और कोई लोड ना जुड़ा हो तो धीरे धीरे घूमे उसी को क्रीपिंग कहा जाता है जिसको कम करने के लिए 180 डिग्री एंगल पर होल से स्लोड काटा करते हैं तो देखो जी सी एलिमिनेट क्रीपिंग ऑन नो लोड बिना लोड पर क्रीपिंग हटाने के लिए ये काट दिए जी अपोजिट वन एट्टी तो पढ़ा रखे तुम्हें सारी जब एक वीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो गेलवनोमीटर जीरो करंट पढ़ा करता है बिटी स्टोन ब्रिज मीडियम रेंज रेजिस्टेंस को नापने का काम क्या करता है जी? चलो भाई बच्चों एक ओम है एक ओम से कम एक ओम से कम का मतलब लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आना और लो रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर या कैलवन डबल ब्रिज से करते हैं मैगर हंड्रेड किलोम से ज्यादा ठीक है डायरेक्ट डिफ्लिक्शन मैथड मैगर लॉस ऑफ चार्ज मैथड मैगम ये हाई के नामने के मेथड है वोल्ट मीटर एमीटर मैथड सब्सिट्यूशन मैथड विथ स्टॉन ब्रिज ओम मीटर स्लाइड वायर या कैरी फोस्टर ब्रिज ये मीडियम को नापने के तो ये हो गया जी कैलविन डबल ब्रिज बताइए गजरा कि माप प्रणाली का कार्य है मतलब मेजरमेंट का क्या क्या है भाई किसी वैल्यू को इंडिकेट करना रिकॉर्ड करना कंट्रोलिंग फंक्शन ये सभी है तो ये बना दिया देखिए हमने डी दे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष धारा की आवश्यकता होती है डीसी इलेक्ट्रो प्लेटिंग वही सस्ती धातु पर महंगे की परत चढ़ाना है ना इलेक्ट्रो प्लेटिंग यही है बेरोजगारी की निशानी हां हां हमने एक दिन क्लास में समझाया था और लड़ाई की जड़ तुम्हारी मिसेज तुम्हें कहेगी कि सोने की अंगूठी बेरोज बेरोजगारी हो गई तो तुम खरीदोगे वही नॉर्मल सौ रुपए वाली है और सुनार को कहोगे सोने का पानी चढ़ा दे भाई ठीक है तो इसीलिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जरूरत ना पड़े पढ़ लो है कि नहीं भाई पढ़ लो जरूरी है इंपॉर्टेंट है थोड़ा अलग बैठ तो, तो बहुत भयंकर आकर्षित हो रहा है इसकी तरफ जो फ्लोरोसेंट होती है ये लो प्रेशर वेपर लैंप है या हाई प्रेशर तो चौक का काम क्या है इसमें देखो चौक का काम होता है इसमें आग को एक तरह आर्क को इनिशिएट करना और उसको कंटिन्यूस रखना स्टेबल रखना कई बार आप कहते तो जब फ्लिक करता है जलता नहीं इनिशिएट नहीं कर पाता यार इसकी चौक खराब हो गई बदल लो अब तो खैर आजकल ट्रेंड से ज़्यादातर बाहर हो गया ये कहीं लगा है हमारे यहाँ तो नहीं लगा ये कहाँ ये तो एलईडी है डी फ्लोरोसेंट अलग है अच्छा फ्लोरोसेंट जो ट्यूब आती है उसकी लंबाई पूछी थी एक पेपर तो में <laughs> पचास सेंटीमीटर पचास सेंटीमीटर तीन फिट होती है रे नहीं नहीं तीन फिट, होती है। तीन फिट में कितने सेंटीमीटर आए तीन फिट होती है चेक कर ले जाए किसी पेपर में जा सवाल चलो वैसे इसका नंबर हमारा कल है एक लेक्चर का इसे नहीं भी पढ़ोगे आप अभी तो चल जाएगा आर्कलैम्ब आर्क का पावर फैक्टर होता है हमारा बहुत कम लो लैगिंग जीरो पॉइंट थ्री एग्जैक्ट लो लैगिंग पावर फैक्टर अच्छा ये ये पता है क्यों होता है कम मतलब कम होने का कारण क्या है अरे यार आर्क लैम्प है वो आर्क वेल्डिंग नहीं था अरे आर्क लैम्प नॉर्मली होता ये है कि इसमें भी हम दो इलेक्ट्रोड को यूज किया करते हैं पहले इन्हें हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं उसके बाद हम इन्हें हटाते हैं मतलब दूर करते हैं तो एनर्जी डिसिपेट भी अच्छी खासी होती है और जो ये कॉल लगी होती है इनका नेचर ज्यादातर इंडक्टिव नेचर देखने को मिलता है और मिलता है हमें लो लैगिंग पावर फैक्टर तो पहले इनको हम लोग एक साथ ऐसे रखते हैं और जब धीरे से हम दूर करते हैं तो इसके बीच में आर्क रिस्ट्राइक क्या करती है अस्थाई सेट के लिए खैर ये तो तुम गलत नहीं करोगे टेम्परेरी सेट के लिए प्लेट वायर देखो अम्ल और क्षार मौजूद हो वहाँ किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग टीआरएस मतलब टफ रबड़ सीटेड है ना मतलब डायरेक्ट बेयर कंडक्टर को यूज नहीं करेंगे तो हम लोग टफ रबड़ सीटेड जिस पर हमारा अम्ल का कोई प्रभाव एसिडिक कंटेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अच्छा ये पेपर देना यार इनके कुछ वैल्यूज थे बेटा ये लिख लेते आई टू तीन एन एम्पियर ओके आई थ्री चार माइनस चार एम्पियर आई फोर आई फोर माइनस चार और पूछा गया आई थ्री क्या है आई वन पूछा है तो इनकमिंग करंट बराबर में आउटगोइंग करंट देखो इनकमिंग करंट क्या क्या है I1, I2. अब बाहर जाने वाले हैं आई थ्री और आई बेटा देखो आई हमें निकालना है आई कितना हो गया तीन हो गया आई कितना हो गया चार हो गया आई फिर माइनस चार हो गया आई हमारा दो हो गया तो I1 बराबर माइनस के एक एम ये भी किसी ने गलत किया था क्या आप लोगों ने कितना होगा माइनस के तूने गलत किया था तुमने गलत किया था तुमने दिया था पेपर ओ इसमें बताओ क्या क्या पूछा था यार चलो हमें सर्किट से मतलब है और क्या करना देखो इसमें वी वन वी टू का मान पूछा है कहा नहीं है। तो हमारे तो ऑप्शन ही मिटेगा मैं तो जो आएगा वही रखेंगे चले आई निकाल सकते हैं आई बराबर में टेन प्लस में आठ बटे ये तीन एमपियर आ जाएगा देखो भाई बच्चों वी वन बराबर बढ़िया पॉजिटिव से अंदर आ रहा है तो तीन गुणा चार बारह वोल्ट लिखना था फिर देखो बेटा v2 अब माइनस से अंदर है तो हमने माइनस सिखाया माइनस तीन गुणा दो तो माइनस के वोल्ट ठीक है पहले मुझे ये नहीं मतलब है कि इधर ऑप्शन मेरे एक्चुअली क्या दिए थे नहीं वैल्यू उन्होंने कुछ बदलवाया वो पेपर में अलग है लेकिन ये कर लेना था हम्म हु? क्या घटना है बताओ रेजिस्टेंस तो सीरीज में है ना यार पूरा एक ही तो रास्ता है आई का मान शुरू कहाँ से है दस से समाप्ति माइनस तो प्लस एट बटे में चार और दो में समान ही तो करंट है एक ही तो लूप है तो जोड़ दिया छे घटाना तो सिखाया नहीं रेजिस्टेंस को हमने केवीएल के लगा लो क्या तकलीफ है तब भी वही आना है बेसिक में तुम लोगों के रियली में बहुत कमजोर है भाई डिटरमाइन द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द गिवन बिलो टोटल रजिस्टेंस पूछ रहा है मैं इस लैम्प के लिए निकाल दू रजिस्टेंस वी स्क्वायर बाई पी से तो ये हो गया हमारा चालीस गुणा चालीस बटे चालीस कितना मिलेगा चालीस होम फिर नेक्स्ट इसके लिए निकाल लेते हैं चालीस गुणा चालीस बटे तो ये आ गया जी एट्टी अभी टोटल दोनों पैरल है तो ये आ गया अस्सी गुणा चालीस बटे कितना आ रहा है पच्चीस सोलह दशमलव आएगा ओ पच्चीस या पचहत्तर छब्बीस आ जाएगा तो गुजरात में किसकी सरकार बन रही भाई और एग्जिट पोल तो दिखा रहे कि भाजपा बहुत धमाकेदार एंट्री कर रही फिर से मीडिया आधर एस करंट या तो प्रत्यावर्ती या फिर दिष्ट धारा मीडिया को नहीं दिखता बेरोजगारी की हालत क्या पेपर लीक कितने करते हैं महंगाई के नहीं आटे का कट्टा ना दिखता है आलू टमाटर प्याज आसमान छू रहे हैं कौन राफेल चलो बढ़िया अपना तो एक, 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 एक दिन हमें घुमा दो उसमें और क्या बैठवा दो इसे किस दिन इसे फंसा उधर पाकिस्तान में घुमा के आएगा बाल आराम से सुना तो जा रहा है कि दो हजार तेईस में भी ले रहेगी रहे ऐसा कुछ नहीं है हम तो मजाक कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है नहीं एक कोड आएगा एक तो सिविल कोड आ रहा है बता रहे थे है जी बढ़िया चलो स्वागत है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बता रहे थे लोग आएगा कोई दिक्कत नहीं है सभी निर्णयों का स्वागत लेकिन भर्ती एक लाख दे दो तो जेई की एक लाख आएगी तो फिर ए की ज्यादा ही आएगी हम तो वोट देंगे फिर भाजपा को अगर एक लाख जेई की भर्ती आती है रेलवे में और जे की एक लाख आ जाए ए एल पी की तो एक लाख से ज्यादा ही भाई हम वोट देंगे भी और दिलवाएंगे भी और क्या यार किसी को भी मिले चाहे हमारे बच्चे पहली बात तो एक लाख की जब बात आएगी तो हमारे तो बुद्धू से बुद्ध भी निकल जाएंगे एक लाख भरती मतलब अल्टीमेट भाई अरे एक लाख लोग अगर कैपेबल बनेंगे इंडिपेंडेंट होंगे हाँ? सरकार ले तो फिर हम बाद में ये कह देंगे भाई हमारे तो पागल बना के ले ली वो उसमें क्या दिक्कत है जैसा आप बोल रहे वैसे बाद में बोल देंगे होने के लिए तो कुछ नहीं आ, वो तो लोगों ने रिवाट लगा दी पंद्रह लाख दे दे तुझे क्या करेगा पंद्रह लाख पंद्रह लाख का तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं आज कोई बीमार हो जाए आयुष्मान कार्ड पांच लाख का होता नहीं तो पांच लाख तो यही है सीधे सीधे क्यों बनवा लो सबका बनेगा अरे है? अरे यार क्या बात कर रहे हैं आप हमारे अरे भाई सबका बनता आधार कार्ड हो कुछ करने की जरूरत ही नहीं यार सबका बनता है एक सिंगल रुपया नहीं देना यहां तक कि अरे लिस्ट में भी नाम दी सब आधार कार्ड यहां तक कि जब हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाए एडमिट होता है ना तो भाई किसी का नहीं है कोई गंभीर बीमार है तो पहले ही के वो आयुष्मान है कि ना ठीक है बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं एडमिट करो तुरंत बन जाता है ऑनलाइन अब एक कार्ड मिल जाएगा तुम्हारे वो पोस्ट पे आ जाएगा नंबर तुम्हें जैसे अप्लाई करोगे सबमिट तुरंत नंबर अलॉट लागू अकेडमी आया था हमने पूरी कॉलोनी को बिठाया अपना सबके आधार कार्ड ले सबके बन गए इसमें कोई नहीं सिफारिश या कुछ नहीं मांगता इसमें कुछ नहीं है ऐसे <laughs> <laughs> मास ऑफ प्रोटॉन देखो प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का तो बेटा ये बना जी 1840 अब देखो ये सवाल दिया है प्रॉपर सॉल्व करके बताइएगा देखो एरिया दे दिया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया फ्लक्स दे दिया डेंसिटी पूछा है बी बराबर में फाइव बाई ए हमेशा याद रखो फाइव का वैल्यू हो गया जी तीन हजार अपॉन में दशमलव दो पांच इसे सॉल्व करना जी कितना आ गया बारह हजार गुणा दस की घात माइनस छ अब ये अगर दस की घात माइनस छ हम लिख रहे हैं तभी हम लिखेंगे इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम नाम देते हैं भाई टेस्ला तो तब जाकर हम लिखेंगे फिर कि देखो वो अलग शब्द लिखा है माइक्रो माइक्रो डिनोट की पावर माइनस सिक्स माइक्रो और फिर यहां पर लिखा गया जी टेस्ला तब होना था ये ठीक है याद रखना कभी तुम माइक्रो वेबर पर मीटर स्क्वायर को सीधा टेस्ला लिख दो तो वो गलत हो जाएगा ये था माइक्रो टेस्ला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट 25 फाइव पॉम और 2000 थाउजेंड वॉट पी बराबर में यही हो गया आई स्क्वायर बराबर में दो हजार बटे कितना आ गया भाई आई का वैल्यू ये मिल जाएगा हमें ए ऑल द फॉलोइंग आर वॉट एक्सेप्ट किसे छोड़ के सभी वॉट ये होता है एम्पियर पर वोल्ट ये कंडक्टेंस होता है चलो बेटा यहां पर आपको रजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में चलो बताओ देखो इसमें लिख भी देते यार ये चार है ऊपर एक है नीचे ये दो है फिर तीन ओम है ये पांच ओम है और ये छे ओम है नीचे सात ओम दे रखा है भाई इन्हें सॉल्व करके कितना हुँ? इसे सॉल्व करके सिक्स बाई इलेवन और ये तीस बटे ग्यारह छह बटे ग्यारह और चार पैरेलल में सात जोड़ो अत्तर बताओ जल्दी अबे इससे आसान क्या देते पेपर में थ्री पॉइंट फाइव सिक्स इलेक्ट्रोस इलेक्ट्रीशियन टाके में प्रयुक्त तो टीन और सीसा आपको याद रखने का भी बताया एलमिन लिस्ट सिक्सटी और फोर्टी चलो ये भी कर लिया होगा देखो ए से बी के बीच पूछा है सी टू का मान है तीन माइक्रोफेर सी थ्री है चार माइक्रोफेर C4 है टू माइक्रो फेरड बेटा ये तीनों सीरीज में है, है? पांच लो और C1 कितना है टू भाई ये सीरीज में हो गए सीरीज में बहुत जोड़ो जरा एक बटे पांच एक बटे चार एक बटे तीन एल्शियम कितना सैतालीस कितना आएगा बारह पंद्रह बीस कितना हो गया ये पाँच दो सैतालीस होता है तो तो साठ बटे सैतालिस प्लस में दो ऐड कर दो कितना आया सॉल्व करके बताओ तीन दसमलो दो सात माइक्रो भाई पैरल में वो ऐसे जुड़ता है देखो डायरेक्ट सम लेड एसिड सेल इज फुली चार्ज तो हम ये कहते हैं पूरा लिख देते हैं पॉजिटिव पर होता है पी बी और टू नेगेटिव पे होता है पी बी ये होती है हमारी ब्राउन और ये होती है ठीक है कुछ ऐसा ही दे भी रखा होगा ऑप्शन में नहीं कोई नहीं मैं तो इसका जो उत्तर होने चाहिए थे लिखा दिए तुम्हारा माइका बी की रेंज कितनी वन थर्टी सी की कितनी अब वन एट्टी एक सौ पचपन ए एक सौ वाई ई एक सौ बीस होती है यार साथ ही तो क्लास है यार ये लेड एसिड के वाट आवर एफिशियंसी कम होती है यार एम्पियर आवर ज्यादा होती है अबे वो डीसी बैटरी है तो वाट आवर में कैलकुलेट करोगे तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी इनटू डिस्चार्ज होने का एवरेज वोल्टेज अपॉन चार्ज होने का एवरेज वोल्टेज ये फॉर्मूला आता है तो वाट आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना ये कम आएगा रिजल्ट आपका और एम्पियर आवर उसकी डायरेक्ट रेटिंग है क्योंकि एम्पियर आवर में तो बैटरी आती ही है तो एम्पियर आवर हमेशा ज्यादा होगी 85 के लगभग मानो ये हमारे पचहत्तर अस्सी वो हमारे पिछ अस्सी नब्बे तक हो जाती है तो ये तो क्या ही देखोगे यूपीएस निखिल ए भाई ये भाई वाला यूपीएस अन पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 500 से अधिक रेटिंग वाले स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा अभी तुम लोगों को मॉर्निंग में लिखाया भी था 500 से कम रेटिंग वाले स्टेप 500 से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहीं कहीं पर ये डाटा जो बुक्स है उसमें 200 ही लिख के छोड़ दिया 200 250 तक है क्या हो गया जा रहा है जाओ जाओ अच्छा जा। खाना हम बट हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे जना के अनुसार इमारत और भूल अक्ट्रोड के बीच की दूरी डेढ़ आयरू लंबे में हा? अर्थिंग द ऑफ मशीन पिछाड़ में अभी ऑप्शन है लॉसेस जब कम होंगे तो एफिशिएंसी बेटा लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है ये तो एकदम भावुक हो गया था परसेंटेज नहीं दोस्त होती मशीन में अब मैं नो लोड पे बोलता है, है नहीं नहीं। ट्रांसफॉर्मर का होता है में तो बहुत बहुत हाई हो गया ए भाई स्लीपरिंग का तो और कम होगा है अरे नब्बे से नब्बे पिचानवे जाके यार अच्छा ट्रांसफॉमर है मिलता है यार नाइन्टी फाइव किताब मिलेगी निन्यानवे प्रतिशत ट्रांसफॉर्मर की होगी कहाँ निन्यानवे मतलब सौ प्रतिशत तो इंडक्शन की भी आपके यार नब्बे होगी पिचानवे तो भयंकर ही फिर फिर तो कॉपर लोस हमने पढ़ाए क्यों और वैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो किताबों में देते नहीं है और आप लोगों की किताबों में तो नहीं है फिर बच्चे को रटवा दी ये रियल में बताऊं तो ये स्टैंडर्ड नहीं थी डिपेंड करती है बहुत लोड के ऊपर उसकी चलने की स्थिति के ऊपर अब कोई स्लिप के मान को तुम बढ़ा दो चला लो मोटर को तो दक्षता स्टैंडर्ड रहेगी? भाई स्लिप के मान को तुम बढ़ाओ ना तो दक्षता और कम आ जाएगी ये भी तो चक्कर है ना तो ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता ये तो बस रटवा रखे बच्चों को पिचासी अस्सी नब्बे अब जैसे ट्रांसफॉर्मर को पढ़ते हैं कि बहुत अच्छी एफिशियंसी निन्यानवे भी हो जाती है अबे वेल डिजाइन की आइडल सिचुएशन निन्यानवे सौ प्रतिशत है हंड्रेड परसेंट आइडल की है तो निन्यानवे मतलब तो हम इलेक्ट्रिकल में आइडल माने नहीं होती वो भी लोड के बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी कंडीशन है फिर जिनके ऊपर एफिशिएंसी निर्भर करती है तो वही वो तो वो टिक लगाने को आ गया तो ठीक है जी पिचासी और नब्बे में एक ऑप्शन मिला टिक लगाओ आगे बढ़ो नंबर मिल जाएगा हाँ जी करंट बताना भाई हमें आई ए बराबर में वी माइनस ई बी बटे आर ए तो बेटा ये हो गया दस ये होता हम लोग पांच यही तो मिला जी बीस सियर यही आ रहा है एक तो आज इस वेल्ड करने वाले ना सर दर्द कर दिया सुबह से सेलिंग फैन की वाट अब वो जो इसमें भी देखो ना आजकल जो ये ब्रशलेस डीसी मोटर आ रहे हैं ना ये तो बारह पंद्रह वोट में ही आ जा रहे यार मतलब आजकल जो ब्रशलेस डीसी मोटर चल रहे ना मतलब वो बारह पंद्रह वोट में मिल जा रहे हैं लेकिन महंगे बहुत है बहुत कम लोग सजेस्ट कर रहे हैं बहुत कम लोग यूज भी कर रहे हैं यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अचानक गायब हो जाता है तो मोटर अगर अचानक से हम देखें ईबी ईबी समाप्त आइए आइए इससे तो लिमिट है तो इसमें बाकी कुछ है ही नहीं चलो जी ये इसे हम कर तो लेते अट्रैक्शन में भी यूज लेकिन इसमें टॉर्क नहीं अच्छा होता क्योंकि सप्लाई बदलने से दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस में सप्लाई बदल जाती है देखो भाई ये था ठीक है जी अब हमें लेकिन हम इस स्टेट में से यूज नहीं करते याद रखना ये हम सप्लाई के टर्मिनल को बदले इधर पॉजिटिव करंट यहां से आएगा यहीं से तो जाएगा दोनों बदल दिए तो चलती तो रहेगी लेकिन समस्या इसमें एक ये है कि इसमें जो टॉर्क होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता कि ये किसी भी बहुत भारी भरकम लोड को चला ले सीरीज वाले में टॉर्क बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ जो टॉर्क मिलेगा ये आपको मिलेगा नॉर्मली है लेकिन सीरीज में मिलता है तो इसे हम फेवरेट मानते हैं अट्रैक्शन में इसलिए हमने सीरीज वाले को फिर यूनिवर्सल कंसिडर करना शुरू कर दिया था तो हम इस स्टेट या कंडीशन में इसको वैसे चलाते नहीं है लेकिन सवाल आ गया तो फिर आप टिक करोगे क्योंकि इसका सिर्फ पर्पज यही पूछना था कि भाई अगर इसे हम बदलेंगे तो दोनों के क्रोस सप्लाई बदल जाएगी तो वो जानना चाहता था कि क्या आपको ये कंडीशन पता है कि दोनों की सप्लाई यदि बदलेंगे तो समान दिशा में चलता रहेगा सीरीज में भी यही था सीरीज में भी आर्मेचर और जो वाइंडिंग थी उसमें दोनों की डायरेक्शन बदल गई थी तो वो चलता वो भी था लेकिन उसमें टॉर्क बहुत अच्छा था इसलिए ट्रैक्शन में बड़ा फेवरेट हुआ है Which of the following factor is responsible for corona? देखो जी स्मूथ सरफेस तो हम चाहते बढ़ जाओ और डिस्टेंस ज्यादा हो तो फिर नहीं होगा तो हम कहते हैं कि जब इरेगुलर खुरदरा सरफेस हो तब ज्यादा होगा वही वायलेट ग्लो हिसिंग नॉइज प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है जी इसे कम करने के लिए हम ये कहते हैं कि बहुत अल्ट्रा हाई वोल्टेज हो तो होलो यूज करो और अगर एक्स्ट्रा हाई हो तो बंडल बंडल समझते हो एक फेज में एक से ज्यादा वायर का यूज करना अच्छा डीसी जनरेटर है डीसी जनरेटर में जब न्यूट्रल एक्स न्यूट्रोल न्यूट्रल एक्स से मेल खाता है अरे जी एन एम एन ए नो लोड पे ही एक साथ बनता है तो ये हो गया जी देर इज नो लोड ऑन द जनरेटर तभी जी एन एम एन ए एक साथ बनता है आर्मीचर रिएक्शन के कारण एम एन ए जनरेटर के चलने की दिशा में शिफ्ट हो जाता है और मोटर के चलने के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है चलो <coughs> आर्मीचर रिएक्शन का नाम लिया तो आर्मीचर रिएक्शन के कारण पोल पर डीमैग्नेटाइजेशन और लैगिंग पर मैग्नेटाइजेशन ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ टू एडजेंट पोल आपको बनाकर भी दिखाया भाई कि देखो जी यहां से ये दूरी इसे कहा जाता है पोल पिच रेक्टिफायर सर्किट जो हम बनाते हैं ए तो को डी में बदलना है तो इसमें सेंटर टेप भी यूज करते हैं हाफ वेव भी और ऑल तो ऑफ़ डी एल ई डी तो बहुत कम पावर कंज्यूम करती है एल मतलब यही नहीं कि सर बड़ी वाली दस वोल्ट चालीस वोल्ट एलईडी छोटी वाली भी आती है तो मिली वाट मिली वाट यूनिट डिफ्यूजन डिफ्यूजन कांस्टेंट, सर ने पढ़ाया होगा आपको डी ना तो सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जी पी वाला अरे सर ने तुम्हें पढ़ाया भी होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट कुछ अंडर रूट लगा के कुछ कुछ आता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डी टो तो आता है एल बराबर ये आता है ठीक है जब आप ये हटाओगे तो इधर स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर तो ये टो तो टाइम कांस्टेंट जनरली यहाँ कैरियर्स का टाइम कांस्टेंट को दर्शाता है और ये आता है डी बल्कि इससे मुझे एक और चीज याद आ गया इससे हम लोग ना एक आइस्टन इक्वेशन हम लिखते हैं जिसे हम लोग डी अपॉन म्यू लिखते हैं और d अपॉन म्यू का मतलब होता है वी टी तो ये d अपॉन म्यू की यूनिट अगर पूछ ले तो ये वोल्ट है अब अगर म्यू बाई डी की पूछ ले तो ये वोल्ट इनवर्स म्यू क्या मोबाइलिटी बाइंडिंग वायर इज टू सपोर्ट द जॉइंट फॉर सोल्डरिंग इज मेड ऑफ तो किसके बनाएंगे भाई ये कॉपर का वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर अल्फा का मान ये है बीटा का पूछ रहा है तो बीटा बराबर अल्फा पॉइंट वन माइनस अल्फा पॉइंट नाइन नाइन फाइव वन माइनस पॉइंट नाइन नाइन फाइव कितना आ रहा है ए भाई ये ये कॉमन एमिटर में है ये वाला जो अल्फा है एक से कम ये कॉमन बेस में गामा सबसे ज्यादा होता है कॉमन कलेक्टर में कॉमन कलेक्टर का इनपुट जो रजिस्टेंस है वो सबसे कम है और जो आउटपुट है वो सबसे ज्यादा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो स्विचिंग सर्किट के लिए ये पूछा है कि बेस पर किस तरह की आप सप्लाई लगाए अब स्विचिंग सर्किट का मतलब है ऑन ऑफ से ऑन ऑफ का मतलब होता है यार वन जीरो फिर अपना जीरो माइनस वन या फिर वन जीरो इससे हुआ करता है या फिर आप नॉर्मली ये बना लीजिए भाई ये जीरो है ये वन है तो आप इसे कहते हैं जी स्क्वायर पल्स फॉर सेफ्टी द स्विच मस्ट कनेक्टेड न्यूट्रल में लगाए क्या हम तो हमेशा पढ़ते हैं कि फेज में लगाएं सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ना बाकी फिर नेक्स्ट वाले में कराऊंगा आपको चलो आज हंड्रेड ही करते हैं यार बच्चों बाकी कल एक सेशन लेना है आपका इल्यूमिनेशन का